कर रहे हो कि जो चर्चित गीत इसमें चले गए हैं ये तो बार बार ना हो, थोड़ा सा विषय बदल जाए। और क्या सुषमा जी, बहुत आसान सा गीत दे रही हूँ। ये बात एक और समझिए, फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया के क्लब में उनसे प्यार करोगी, सोना सिंगार करूं तो जिसमें मुखड़ा देखूंगी, जिसमें मुखड़ा देखूंगी वो दर्पण कैसा होगा। ए हवा तू बता, ए हवा तू बता, क्या तुझको पता के अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा हो, सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा हो। सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा हो, लेकिन मेरे गीत को सुनिए, सुनिए कैसा होगा ये बात। फिल्मी गीत कह रहा सावन दर्पण ऐसा होगा तो साजन कैसा होगा, सावन ऐसा होगा साजन कैसा होगा। मैं भी प्रयास कर रही हूँ कि अगर वो लोग अपने गीत में प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा कैसा होगा तो मैं प्रयास कर रही हूँ कैसी होगी ये बात। अब देखिए क्या कैसी होगी, सुनिए। एक बालक ऐसा, और देखिए कीर्तन में नए नए कथानक आपको सुनने को मिल जाएं। और क्या, एक बालक ऐसा जो अपनी माँ के गर्भ में है, लेकिन एक दिन उनके पिताजी श्लोक पढ़ रहे थे तो हमारे सनातन धर्म में कैसे कैसे लाल हुए। माँ के गर्भ में संतान है, पिता श्लोक पढ़ रहे हैं, लेकिन उस बच्चे ने उसी गर्भ से टोक दिया, कहा कि पिताजी आप गलत श्लोक पढ़ रहे हैं। हालांकि वो कोई बालक और नहीं, वही आगे चलकर अष्टावक्र जी कहलाए। समझिए देवताओं ने ऐसा बालक सुना कि ऐसा बालक है, तो देखे देवताओं ने कहा ये बालक शब्दों में रस बोल रहा है, एक एक मिनट सुनिएगा। उस बालक की इस वीरता को और इस बुद्धि को देखकर लोगों ने कहा कि शब्दों में रस बोल रहा है, ये गर्भ के अंदर से बोल रहा है, शब्दों में रस बोल रहा है, गर्भ के अंदर बोल रहा है। तो देवताओं ने कहा कि गर्भ से जब जन्मेगा, ये गर्भ से जब जन्मेगा तो जिंदगानी कैसी होगी,
गर्भ में इतना बुद्धिमान है, जिसको श्लोकों का पता है, तो गर्भ से जब जन्मेगा तो जिंदगानी कैसी होगी। तो जब गर्भावस्था ऐसी है तो जवानी कैसी होगी। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। देवताओं ने कहा कि देवता रहे बता किसको भला पता, कि कुदरत के कानून की कुशल कहानी कैसी होगी। जब गर्भावस्था ऐसी है तो जवानी कैसी होगी। नहीं करूंगी, पूरा मंडल लिख रहा है। बहुत आसान गीत दे रही हूँ। जब गर्भावस्था ऐसी है बालक की तो जवानी कैसी होगी। अब दूसरा बालक देखिए, ये बालक कोई और नहीं है, ये बालक है अपने अंजनी लाल, यानी हनुमान जी। हनुमान जी की भी वीरता को लोगों ने देखा, इतना छोटा बालक और उसने किया क्या क्या। हनुमान जी की माता अंजनी उन्हें बचपन में छोड़कर जाने लगी, तो हनुमान जी ने कहा मैया आपके जाने के बाद मैं खाऊंगा क्या। माँ ने कहा तुम्हें जो लाल लाल फल दिखाई दे वही खा लेना। और बस हनुमान जी उड़े और उड़े तो बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अधियारो। तो देवताओं ने फिर कहा कि फल को समझ कर उछल गया जो, देवताओं ने हनुमान जी के लिए कहा भैया फल को समझ कर उछल गया जो, और दिन कर को भी निकल गया जो। फल को समझ के उछल गया जो, दिन कर को भी निकल गया जो। तो कहा हनुमान जी को देखकर कि जहां खिला होगा ये सुमन, जहां खिला होगा ये सुमन पाकवानी कैसी हो। फूल ऐसा है तो पूरा बगीचा कैसा हो। जहां खिला होगा ये सुमन पाकवानी कैसी हो। तो अब इस बालक का जब बाल्यावस्था ऐसी है तो जवानी कैसी हो। सुषराज कमल जी, मेरे गाने में कुछ अवस्थाएं चल रही हैं। जैसे पहले गर्भावस्था, फिर बाल्यावस्था, बूढ़ी जा रही है। हालांकि वो चार अवस्थाएं दूसरी हैं, ये जवानी बचपना बुढ़ापा ये सब अलग अलग हैं। और क्या, लेकिन जो मैं चार अवस्थाएं ले रही हूँ इसकी व्यवस्था देख रही है। ये चार चार लोग देख रहे हैं। पहले गर्भावस्था, बाल्यावस्था, हनुमान जी ने बाल्यावस्था में सूर्य को लीला। अब तीसरी अवस्था देखें, सुने भगवान श्री राम ने जिस धनुष को बड़े बड़े बलशाली रावण जैसे लोग नहीं उठा पाए, उस धनुष को बड़े आराम से प्रभु राम ने तोड़ दिया। और जब तोड़ दिया तो जनक राज के यहाँ की नारियां प्रभु राम के उस सुंदर से मुखड़े को देखकर कहने लगी, क्या कहने लगी कि लगता है ये वही है। ये कौन है, पत्थर को नारी है बनाया। पत्थर को नारी है बनाया, और शिव का धनुष जिसने पल में उठाया। तो पत्थर को नारी है बनाया, शिव
उसका धनुष ही पल में उठाया। तो वहां की नारियों ने राम जी को देखकर कहा कि जिसने इनको जन्म दिया। राम जी पंक्ति सुनेगा, कहा कि जिसने इनको जन्म दिया, जिसने इनको जन्म दिया वो महारानी कैसी हो। शाबाश, जब लड़का इतना सुंदर है तो मम्मी कितनी अच्छी है। सही है कि जिसने इनको जन्म दिया वो महारानी कैसी होगी। तो अब राम जी के लिए कहा, जब किशोरावस्था ऐसी है तो जवानी कैसी हो। तीन अवस्था, अब चौथी अवस्था सुनिए सुनिए। और ये जो अवस्था है इसमें बड़े बड़ों की व्यवस्था जोड़ जाती है। ये अवस्था आती जरूर है, आती है, हम पर भी आएगी, आप पर भी आएगी। देखिए, जिस समय रावण का युद्ध जामवंत से होने लगा, जामवंत बूढ़े हैं, जर्जर काया है, लेकिन जामवंत की शक्ति बुढ़ापे में भी ऐसी थी जैसे हमारे बाबूजी। जामवंत ने रावण को ऐसा घूसा मारा कि रावण को खून की उल्टियां होने लगी। और सोचिए बुढ़ापे के भूसे में कितना दम है। तो रावण ने कहा जामवंत वार करारा, जामवंत वार करारा, तो सह कर रावण ये बैन उचारा। जामवंत का वार करारा, सहकर रावण बैन उचारा। रावण ने कहा के नीच राज की किशन कथा, के नीच राज की किशन कथा लाशानी कैसी हो। अरे नीच राज की किशन कथा लाशानी कैसी हो। तो जब इनका बुढ़ापा ऐसा तो रही जवानी। यानी वृद्धावस्था ऐसी तो जवानी देती होगी। सियावर रामचंद्र की इंदिरा जी का एक लाइन हाथ सुनो। कहती थी इंदिरा गांधी अपना सीना तान के, तू कड़े न होने देंगे हम हिंदुस्तान के, कड़े न होने देंगे। ऐसी थी हमारी इंदिरा गांधी, और वही आए रायबरेली, वही तो ही आए हमारे सब रिश्तेदार। सुनाओ सुनो सुनो गीत मिला कौन सा कि कब मैं उनसे मैं कब उनसे
भी आपने सुनी है और आपने ये भी संकेत कर दिया कि शशि राजकमल जी वो चार अवस्थाएं और हैं, है जागृत, स्वप्न, सुसुप्त और पुरी। ये चार है तो बाकी तो लिखा मिलता है कि तीन अवस्था तीन गुण ते कपास ते काल। पढ़ाई लिखा है, पढ़ाई लिखा है क्या? ये ठड़िया थोड़ी खाते थे तुम्हारे यार, जमाए होते थी अवस्थाएं, वृद्धावस्था, किशोरावस्था, गर्भावस्था, तमाम अवस्थाएं आपने गिना दी। शांतिमाला जी, मैं भी उन अवस्थाओं से अलग प्रयास कर रहा हूं कि जो आपसे छूटी है वहां से आपको जवाब दिया जाए। सोचिए वहां से जवाब दिया जाए। अब देखिए अवस्थाएं आपने छोड़ी कौन सी है? एक ऐसा बालक माता के गर्भ में है, गर्भ की अवस्था केवल सात दिन की है, सात दिन की अवस्था है। पिता का अपमान किया गया, जब पिता का अपमान हो रहा है, बालक से नहीं रहा गया, माता के गर्भ से निकल के उसका वध कर दिया जो उसके पिता को अपमानित करने का प्रयास कर रहा था। अपमानित जब पितू को बिचारा, अपमानित जब पितु को निहारा, सात दिवस का भूर हुंकारा। क्या बात है, सात दिन की अवस्था है उसको भूर कहा जाएगा। अपमानित जब पितु को निहारा, सात दिवस का भूर हुंकारा। देवताओं ने देखा, विचार करने लगे कि आगे चलकर क्रोधी की मनमानी कैसी हो, आगे चलकर क्रोधी की मनमानी कैसी हो। जब भूरा अवस्था ऐसी है तो जवानी कैसी है। धन्यवाद है जो आपकी तालियां मिल रही है, लेकिन थोड़ा कमजोर भी नहीं है, खुल के बजाइए। दोनों ही कलाकारों में अगर किसी की कोई बात आपको अच्छी लगे तो तालियां खुल के बजाइए, जब अभी अपने आप और गर्म होती चली जाएगी। एक बालक और देखिए, वो भी साधारण बालक नहीं है। छह दिन का बहुत सुंदर बड़ा सुंदर, छह दिन का जा रहे हो पुर्रा वाले भाई। चकुआ उस बालक की उम्र है केवल छह दिन है, लेकिन चश्मा लगाए है। छह दिन का था छह मुख वाला, तारक का मत है कर डाला।
बाद भोलेनाथ शिव महादेव के पुत्र कार्तिकेय, अरे वाह, छह मुख कृतिकाओं ने पाला, नाम हो गया कार्तिकेय खदानंद। छह दिन की अवस्था में ही खदानंद ने पारदर्श को मार दिया, अरे वाह। जो छह दिन की उम्र होती है अवस्था कौन सी होती है, सुनिए वो अवस्था आपने छोड़िए। छह दिन का था छह मुख वाला, तारक का वध है कर डाला। देवता सोचने लगे कि आने वाले समय में अवस्था ऐसी है तो जवानी ऐसी है। एक बालक और देखिए, देखते रहिए क्रांति बाला जी, एक बालक और ला रहा हूं, वो ऐसा बालक जिसका नाम हमारे देश का नाम है। कुछ लोग यूट्यूब पर देख रहे वो बालक को, ना तो भय है ना कोई चिंता है। एक ऐसा बालक राजा ने देखा कि शेर के दांतों बालक शेर के दांत गिन रहा है, यही है महाराज कुशल शकुंतला का पुत्र भरत, जिसके नाम से हमारे देश का नाम पड़ गया भारत। ना तो भय ना है चिंता, शेर के दांतों को है गिनता। पुत्र नहीं का है पहचान नहीं पाए, महाराजा दुष्यंत विचार तो है किसके मात पिता की छवि लासानी कैसी होगी, बाल्य अवस्था ऐसी है तो जवानी कैसी है। आपका वृद्धावस्था अंगद ने का मारा, कांतिमाला जी वृद्धावस्था भी महाभारत में एक प्रसंग आपको मिलेगा कि बूढ़े वानर है कपिराई फैलाए बैठे, सोचो ये पूछे अरे अपनी पूछ हटाओ हमें आगे जाना है, रास्ता भैया हम तो बूढ़े और क्या, हमारी पूछ हटा दो और निकल जाओ, निकल जाओ। अब भीम लगे टोल लगाने, ऐसा पसीना छूट गया, पूछ उठाना तो दूर, पूछ को हिला भी नहीं पाए। अब क्या कि बूढ़े वानर है कतिराई, पूछ भीम से हट नहीं पाई। बूढ़े बादल है कपिराई, पूछ भीम से हट नहीं पाई। भीम परेशान हो गए, 10,000 हाथियों का बल मेरे शरीर में तो हम इसकी पूछ नहीं हिला पाए। कि कमल वीरता की बाहों में, कमल वीरता की बाहों में निशानी कैसी हो, इसकी पूछ में इतनी ताकत है, इसकी भुजाओं में सोच लो कमल वीरता की बाहों में निशानी कैसी।
कैसी होगी जब जरा अवस्था आपके आप रखा अवस्था जब जरा अवस्था ऐसी तो रही जमाज बहुत अच्छा है। और क्या, और क्या।